हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेसबुक आईडी का पासवर्ड चेंज करने की कंप्लीट प्रोसेस को देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम जैसे अपना आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो इनकरेक्ट बता रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो फॉरगेट करने की कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाएगी, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप नया पासवर्ड भी जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड को फॉरगेट करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आपको कोड आता है, कैसे आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर फिर से अपना आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपना यहाँ पे पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं फिर से इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक करके फिर से मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। वही चीज़ मैं डाला हूँ सेम टू सेम, एक बार में नहीं तो दूसरी बार आपको फिर से ट्राई करना है, ठीक है, बैक करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर रेड जो नोटिफिकेशन है दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड गलत है, बट हम आपका पासवर्ड वापस लाने में मदद कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आईडी है, उस आईडी में जो नंबर लिंक है, उस नंबर पर आप कोड मंगा सकते हैं और उस कोड को डालकर एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं, यदि आपके फेसबुक आईडी जिस मेल आईडी से बनाए हो, यदि उस पर आपने रिकवरी के लिए नंबर कोई लगा रखे हो तो यहाँ पर वो सेव करेंगे। जैसे एसएमएस द्वारा कोड भेजे जो लिख के आ रहा है, जिस नंबर शो कर रहा है लास्ट में 2 अंक, तो यहाँ पर आप इन 2 नंबर में ऐड कर रखा हूँ अपने आईडी में, तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो हम इन 2 नंबर में से किसी एक नंबर को चूज़ करेंगे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड हमको एक कोड आएगा। उस कोड को जैसे ही डालूंगा तो एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यदि फ्रेंड आप ये नहीं कर रखे हो, ये नहीं डाल रखे हो नंबर या फिर मेल आईडी कुछ भी रिकवरी के लिए, इस फेसबुक आईडी में रिकवरी मेल या रिकवरी नंबर नहीं डाल रखे हो, तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा यदि आपको कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पर इसमें मैं कोड मंगा रहा हूँ अपने इस आईडी का। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कोड हमको आ जाएगा इस आईडी में जो हमने जिस मेल आईडी से बनाया है फेसबुक आईडी को। तो दोस्तों, इस मेल आईडी मैंने नंबर डाल रखा है और नंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे सेलेक्ट करूँगा और जारी रखूँगा तो मुझे एक कोड आ जाएगा इस नंबर में, और मैं इस कोड को डालूंगा तो हमको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से हमें क्या होता है कि फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये गलती करते हो, नहीं रखते हो, तो आप अभी से रखना चालू करिए रिकवरी नंबर, ताकि आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर हम अपना कोड डाल देंगे, हमारा कोड आ चुका है फेसबुक का, जो हमारा कोड है ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको डालेंगे जो भी हमारा कोड है, और आप भी यहाँ पर अपना कोड डाल दीजिएगा। अपना कोड डालने के बाद यहाँ पर जारी रखें पर क्लिक करेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। इस पासवर्ड को आपको लिख के रखना है, जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं इसको आप नोटपैड में लिख कर रखिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड भूलना नहीं चाहिए आपको। इन फ्यूचर कभी लॉगिन करने के लिए आपका यही पासवर्ड काम आएगा। दोस्त, यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने गूगल पासवर्ड मैनेजर पर आप किस तरह से अपने फेसबुक आईडी और पासवर्ड सेव कर सकते हैं ताकि आपको कहीं लिखना ना पड़े, आप मोबाइल पर ही जब फ्यूचर में आप वहाँ से अपना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, यदि आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। देख सकते हैं, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे एक नया पासवर्ड बनाकर। यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से कुछ इंटरप्ट आता है। यहां पर अलाउ कर दीजिए जो भी नोटिफिकेशन के लिए बोल रहा है अभी आपको, यहां पर इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस पासवर्ड बनाने से पहले दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं रिव्यू अदर डिवाइस। दोस्तों, हमारा पासवर्ड तो चेंज हो गया, बन गया है, बट यहाँ पर रिव्यू अदर डिवाइस पर हम क्लिक करके देखेंगे कि हमारा जो ये फेसबुक आईडी है कहाँ कहाँ पे लॉगिन था या है अभी जो रिसेंटली में। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे इस पर सेलेक्ट करके, और हम सभी जगह से लॉग आउट कर देंगे, केवल इस मोबाइल में मेरा ओपन होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप पासवर्ड चेंज कर दोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, तो आपको इस तरह से आना है और इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करके दोस्त आप लॉग आउट कर देंगे, अदरवाइज लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन पर क्लिक करके सभी जगह से लॉग आउट कर सकते हैं। सभी जगह से नहीं करेंगे, बट हमारा जो अभी एक्टिव है जिस पे, तो उसको एक्टिव रहने देंगे। अभी जस्ट मैंने पासवर्ड चेंज किया है, बस जो 3 ये नीचे के हैं इनको हम लॉग आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, लॉग आउट हो जाएगा, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। तो इसी तरह से आप सभी जगह से लॉग आउट कर देंगे। देख सकते हैं हमारा सभी जगह से लॉग आउट हो रहा है, और इसी तरह से आपको भी लॉग आउट करना है। जैसे आप कर देते हो और इस पर आप एक्टिव नाउ जहाँ पर है इस पर क्लिक करते हो, तो आप इस तरह से इंटरफेस आता है आपके सामने। बट यहाँ से हम बैक कर देंगे, और जैसे ही आप एक बार बैक करोगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर बैक नीचे मोबाइल पर क्लिक करेंगे बैक में, और यहाँ पर बैक कर देंगे एक बार, और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा लॉग इन विथ 1 टैप। तो ओके कर देंगे और आप लॉग इन हो जाएंगे अपने फेसबुक अकाउंट में। आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है और आप उस पासवर्ड को लिख कर रखिएगा। और दोस्तों, यदि आपके फेसबुक के मेल आईडी पर आपका नंबर नहीं लिंक था, आपको कोड का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मेल और रिकवरी नंबर और रिकवरी मेल नहीं ऐड किया था आपने, अगर ऐसा है कुछ तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे काफ़ी।